Hey, students, do you know in a dramatic monologue, a poet presents his some emotions or might be some particular aspect of his life? It is a kind of self-conversation. Like we see here, Robert Browning, we see here Alfred Tennyson, we see Arnold is there and T.S. Eliot is there. They have been the masters of dramatic monologue. So guys, let us explore this more. Let us have some questions based on dramatic monologues. So here we go. देखते हैं बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, who was Rabbi Ben Ezra? Guys, मैं आपको बता दूं, this was the work written by, composed by as a dramatic monologue by Robert Browning. So Rabbi Ben Ezra, if we see, he was a real Jewish scholar, या फिर renowned Roman Catholic, Greek philosopher, या फिर theologian of Persia. So guys, answer हमारा जाता है A. यानी उसको वो डिफाइन भी कर सकता है कि ही वॉज अ रियल ज्यूस स्कॉलर. सो ज्यूस था बेसिकली, स्कॉलर था. तो आंसर हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट वन. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम वेयर डिड ब्राउनिंग गेट द आइडिया ऑफ द टाइटल ऑफ मोनोलॉग कैलिबन अपॉन सेटिबस. तो कैलिबन अपॉन सेटिबस, गाइज आप देख सकते हैं, कैलिबन अगर आप देखें तो इनमें से किस वर्क से जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मैन, ड्रॉइंग थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, शेक्सपियर टेम्पेस्ट, या फिर शाज मैन एंड सुपरमैन. सो गाइज आंसर हमारा जाएगा सी, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट. हमें पता है द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो द टाइम, प्रोस्पेरो द हीरो और द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले, व्हेन गोज टू द आइलैंड ही फाइंड्स देयर द कैलिबन. कैलिबन बेसिकली वाज अ कैनिबल, यानी कि ही वाज अ काइंड ऑफ मॉन्स्टर देयर. सो गाइज आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, सी, शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, What is the central theme of Bishop Blougram's apology? Bishop Blougram's apology, guys, हम देखें तो again written by Robert Browning. Basically यहाँ पे क्या है, satire on Anglican Church, यहाँ पे satire on Roman Catholic. तो 100% it is a satire on Roman Catholic faith. तो basically Roman Catholic faith पे यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर एक तरह से satire बनाया गया है. किस वर्क से, Bishop Blougram's apology. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट, द हाईली स्ट्राइकिंग लाइन इज कॉटेड फ्रॉम. बड़े ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम इन लाइंस को देखें तो दीज लाइंस स्ट्राइकिंग हैव बीन कॉटेड फ्रॉम Rabbi Ben Ezra, या फिर एवलिन हो, या फिर बच्चों द लास्ट राइड टुगेदर, या फिर हमारा यूलिसिस. तो ध्यान से देखें, ये लाइन्स हमारी कहां से ली गई है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट राइड टुगेदर. अगेन ये वर्क अगर हम देखें तो किसने लिखा है, इट इज अ काइंड ऑफ मोनोलॉग रिटन बाय ब्राउनिंग. तो ये भी बच्चों ब्राउनिंग का वर्क है. ब्राउनिंग, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि हु हैज बीन द मास्टर ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ऑब्वियसली इट इज द रॉबर्ट ब्राउनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, थ्रू वर्ल्ड्स आई शेल ट्रेवर्स नॉट अ फ्यू, मच इज टू लर्न, मच टू फॉरगेट, एट द टाइम बी कम फॉर टेकिंग यू. तो फ्रॉम विच ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज दीज लाइन्स बीन कॉटेड, तो कहां से बच्चे लाइन ली गई है, 175 को देखेंगे. चार ऑप्शन हमारे पास में हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमारा जाता है बच्चों यूलिसिस, सेकंड आता है एवलिन होप, देन लव सॉन्ग्स ऑफ एल्फ्रेड प्रोफोक, या फिर बच्चों मोड हम कहेंगे. तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पर, बी, एवलिन होप. तो एवलिन होप इज ऑल्सो वर्क बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड. तो गाइज यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, फ्रॉम विच ड्रामेटिक मोनोलॉग आर दीज लाइन्स कॉटेड, ये किससे ली गई है. तो आप ध्यान से देखें, यूलिसिस है, बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम्ब है, या फिर बच्चों प्रोस्पाइस है, या फिर Rabbi Ben Ezra है. अगर हम 176 की बात करें तो आंसर हमारा बच्चों क्या जाएगा यहाँ पे, डी, Rabbi Ben Ezra. अगेन हैज बीन रिटन बाई ब्राउनिंग. ये बच्चों ब्राउनिंग का लिखा गया वर्क है और वर्ल्ड फेमस है. सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे वर्क कैसे हैं, वर्ल्ड फेमस है. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेड वीक बाई द टाइम एंड फेट, बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सी टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, फ्रॉम विच लाइन, फ्रॉम विच ड्रामेटिक मोनोलॉग. गाइस यहां पे देखेंगे, माई लास्ट डचेस, एवलिन होप, यूलिसिस, या फिर Rabbi Ben Ezra. अगर आप इन लाइंस को ध्यान से देखें तो गाइज दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड यूलिसिस, एंड यूलिसिस इज अ वर्क बाय टेनिशन, एल्फ्रेड टेनिशन हैड रिटन दिस वर्क.
और यहीं पे हम वर्क को देखते हैं कि इट वॉज मेड इट वॉज इट हैज मेड दीज ऑप्टिमिस्टिक लाइन्स. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगेन देखते हैं. ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल आई शेल क्लैश दी अगेन एंड विद गॉड बी द रेस्ट. होम डज Browning addresses in these lines. किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो गाइस हम यहाँ पे देखें his beloved whom he could not marry, या फिर wife Elizabeth Barrett Browning, sister who died young, या फिर imaginary heroine of the poem. So guys यहाँ पे कोई और नहीं है बल्कि उनकी wife है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है Elizabeth Barrett Browning. मैं आपको बता दूँ, Elizabeth Barrett जो कि उस समय की best poetess थी and was to be the poet laureate. But because she was not present there, she was in Italy. Actually, she had eloped with Robert Browning. Robert Browning उनको लेके गायब हो गए थे, elope हो गए थे, Italy में जाके रहे थे, उनको लेके भाग गए थे. इसी वजह से, because she was not present there, Alfred Tennyson had been the poet laureate. Otherwise, we see के it was the Elizabeth Barrett who was to be the poet laureate. So guys, यहाँ पे answer हम देखेंगे Elizabeth Barrett Browning को ही वो एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि शी इज द मिसेस ब्राउनिंग, शी इज हियर द मिसेस ब्राउनिंग. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस. फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाई ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स. ये गाइस अगर हम लाइंस देखें तो कहां से ली गई है? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. इन चार ऑप्शंस में हम देखते हैं लास्ट राइट टुगेदर, एंड्रिया डेल सार्टो, रबी बेन एज़रा एंड यूलिसिस. गाइस अगर हम देखें तो दीज ड्रामेटिक लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लास्ट राइट टुगेदर अगेन बाय ब्राउनिंग. ये बच्चों ब्राउनिंग का ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है लास्ट राइट टुगेदर, और इसी में ये लाइंस हमारी अपीयर होती हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शाह इज नॉट अ प्रॉब्लम प्ले, इनमें से प्रॉब्लम प्ले नहीं है. विच ऑफ दीज, उनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे पास है. विडोवर्स हाउस, द डॉक्टर्स डिलेमा, सेंट जॉन एंड सीजर एंड क्लियोपात्रा. तो गाइज अगर हम बात करें शाह की तो ऑब्वियसली इट इज सेंट जॉन. तो आंसर हमारा क्या जाएगा? इट वुड बी सी. तो सेंट जॉन इज नॉट अ प्रॉब्लम प्ले. सो गाइज होप क्वेश्चंस यू आर ग्रेस्पिंग एवरी टाइम एंड इट इज एनरिचिंग योर इंफॉर्मेशन, योर लर्निंग. सो फॉर मोर क्वेश्चंस लाइक दिस बी कनेक्टेड विद मी. थैंक यू सो मच.